नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र। हाई कोर्ट मोतिहारी डीएम से काफी नाराज है। अपना हाई कोर्ट इतना नाराज है मोतिहारी डीएम के कार्यशैली से कि कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है। जी हां, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया है डीएम के खिलाफ और 17 जनवरी को वहां के एसपी को निर्देशित किया है कि आप उन्हें सशरीर कोर्ट में हाजिर कीजिए। वारंट यानी जमानती वारंट, हालांकि जमानती वारंट जारी किया गया है लेकिन डीएम के कार्यशैली से कोर्ट काफी नाराज है। मैं आपको बता रहा हूं कि कोर्ट क्या कुछ डीएम की कार्यशैली को लेकर के और किस मामले में हाई कोर्ट ने इतना बड़ा एक्शन लिया है। दरअसल ये पूरे मामले की बात की जाए तो आपको याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि यह मामला याचिकाकर्ता के वेतन से संबंधित है। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि हाई कोर्ट ने 5 दिसंबर 2022 को मोतिहारी के डीएम को निर्देशित दिया था कि यह याचिकाकर्ता के वेतन देने संबंधित मामले पर उचित निर्णय ले, साथ ही आदेश पालन कर अगली सुनवाई में कोर्ट में शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया गया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर इस बीच उनके द्वारा शपथ पत्र दायर नहीं किया गया तो उन्हें स्वयं अदालत में उपस्थित होकर इसकी जानकारी कोर्ट को देनी होगी। उन्हें बताने को कहा गया था कि क्यों आज अदालती आदेश का पालन नहीं किया गया। अदालती आदेश के बाद भी न तो जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में शपथ पत्र ही दायर किया गया और ना ही वह स्वयं उपस्थित होकर कोर्ट में इस बात की जानकारी दी कि अदालती आदेश का पालन उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया। इसी मामले पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने मोतिहारी के जिलाधिकारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए मोतिहारी के एसपी को उन्हें कोर्ट में 17 जनवरी 2023 को पेश करने का निर्देश दिया है। जी हां, मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि वहां के एसपी को निर्देश दिया है कोर्ट ने कि आप 17 जनवरी को वहां के डीएम जो है उनको आप उपस्थित कीजिए, यह सुनिश्चित कीजिए इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो 17 जनवरी को होगी। तो एक बड़ा मामला आपको मोतिहारी डीएम से, जिसको लेकर के पटना हाई कोर्ट काफी नाराज है। पटना हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए एसपी को निर्देश दिया है कि आप उन्हें 17 जनवरी को किसी भी हाल में हाई कोर्ट में पेश करें, यानी कि हाजिर करें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कर लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।